तो यस ने ऑर्डर क्या किया है इस लिफाफे के अंदर दिखाती हूँ, खोल के अनबॉक्सिंग करके। शिशु करी थी बिस्तर में हमारे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, स्वागत सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक हैं गाइस। आज है इसकी छुट्टी, फिर कल जाएगा, फिर दो दिन की छुट्टी। तो इस तरीके से ना यस का मतलब रेस्ट भी हो जाता है, तबीयत मतलब थोड़ी सी वैसी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है और स्कूल भी हो आता है। और अपनी तरफ से छुट्टी नहीं होती है, स्कूल की तरफ से छुट्टी होती है। वैसे वो जल्दी करता नहीं है छुट्टी, पर धूप है आज, फिर भी इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बादल हो रहा है, शायद दोपहर तक और भी अच्छा हो जाए। लिए तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि यस और गुलशन की ना दवा चल रही है, इस वजह से ना तेल मसाला वाली ऑयली चीज़ें मतलब मना है। तो मैं जा रही हूँ यस को नारियल पानी लेने। सो गाइस, यहाँ से ले लेती हूँ मैं नारियल। और यहाँ हर तरीके के हैं, उनके पास मलाई वाला भी है, पानी वाला भी है, और मलाई और पानी दोनों वाला भी है। ये रहा नारियल, नारियल ले लिया, इसमें मलाई और पानी दोनों है। यस को बोला मैंने कि पानी पी लो, तो वो मलाई निकाल के दे देंगे। तो यस ने ना अभी ब्रश नहीं किया, तो इस वजह से उसने पिया नहीं। करा मैं ब्रश कर लूँगा, पी लूँगा, तब मैं मलाई निकलवा के लेके जाऊँगी। तो यस को ना डॉक्टर ने हल्का खाना खाने को बोला, इसलिए मैं उसी तरीके दे रही हूँ आजकल। वो खाना बन के रेडी हो गया मेरा। ये बनाया है मैंने आज सब्जी, आलू और पालक की, और ये दलिया है, और इसमें दूध रखा है। रोटी भी बन के तैयार हो गई। ये खिचड़ी है जो हम लोगों ने रात के बनाई थी। और ये देखो बर्तन, मेरे बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो इनको ना मैं धो लेती हूँ, यहाँ की पूरी सफाई कर लेती हूँ, किचन से हो जाऊँगी फिर फ्री। और गाइस, इनकी शरारतें ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ये एक दूसरे के ना बाल नोचने लग गए हैं, है ना? किसे नोचे थे तुम ने? जरी ने इसके ना बाल बहुत सारे नोच लिए, उसने शरारत अब इनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बड़े हो गए। और ये काफ़ी दिन से हमारे पास है, 2 साल मतलब बिल्कुल न्यू बेबी थे, दवाई थी तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे। और इसको ना मैं बाहर निकाल के लेके आ गई, तो वो देखो फ़ायदा उठा रहा दूसरा। है ना, वो खा रहा है तरबूज, है ना? है ना? और कल ना इसको अंदर लेके गए दोनों को, तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया बताओ, क्या किया बताओ? तरबूज कौन कौन खाएगा? ये तरबूज जेरी खाएगा, टॉम खाएगा, है ना? जेरी टॉम खाएंगे, तरबूज खाएंगे, खा लो खा लो खा लो। वैसे बहुत प्यारे हैं, मतलब काटते आटते नहीं है बिल्कुल भी, कभी नहीं काटा। तो मैं फ्रेंड्स कूलर को ना साफ कर देती हूँ। कूलर का पानी कभी भी पीला नहीं पड़ना चाहिए, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही साफ कर देना चाहिए। और गर्मी हो रही है तेज, बच्चे स्कूल से आते बहुत गर्मी लगती है, तो मैं थोड़े दिन चला लेती हूँ, मतलब कमरा ठंडा हो जाता है फिर बंद कर देती हूँ, तो मैं ना साफ कर लेती हूँ कूलर। वैसे हमारा कूलर ना बहुत पुराना हो गया, देखते हैं गर्मियों में आप इस बार ले पाएंगे या नहीं। A few moments later. गाइस, नारियल लाए थे पानी वाला, तो पानी पी लिया। अब दुकान दूर है तो काटने के लिए, तो हम थोड़े से तोड़ के निकालेंगे इसकी मलाई। तो फ्रेंड्स, यस ने पानी तो पी लिया था, और इसके बाद मुझे निकलवाने जाना था मलाई। तो इतने देर में आ गए हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि मैं निकाल देता हूँ एक हथौड़ा मार के, और सच्ची में देखो निकाल भी दिया। तो चलो, इसमें हमें दोनों चीज़ें मिल गई, उसकी मलाई भी मिल गई और पानी भी, जो कि अभी निकालने वाले हैं हस्बैंड। तो बस सभी लोग हम लोग करेंगे नारियल एंजॉय। तो किसी किसी नारियल में ना बिल्कुल सॉफ्ट मलाई होती है, पर इसकी ना काफ़ी हार्ड हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। A few moments later. तो फ्रेंड्स, 2-4 दिन पहले यस ने कोई चीज़ मंगवाया था ऑर्डर करके, तो ये आ चुका है।
तो अब दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद कि इसमें क्या मंगवाया है यश ने। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में तो ठीक लग रही थी, अब खोल के ही पता चलेगा कि मतलब कैसी आई है वो चीज़, वो दिखाने वाले हैं। तो यश को भी बहुत पसंद आई थी, तो ये डिलीवरी वाले भैया ना इसीलिए हंस रहे, वो काफ़ी देर से एड्रेस ढूंढते ढूंढते थक चुके थे, वहाँ बाहर रोड में खड़े थे। फिर किसी ने दुकान वाले से पूछा, फ़ोन किया मुझे, तब जाके बहुत मुश्किल से पहुँच पाए। तो मैं सोच रही हूँ इतनी दिक्कत क्यों पड़ गई, एड्रेस तो पूरा होता है और पहले भी मैं बता चुकी थी उन्हें, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके पहले मैं खा लेती हूँ खाना, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए पहले खाना खा लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगवाया। तो यस ने ऑर्डर क्या किया है इस लिफाफे के अंदर दिखाती हूँ खोल के, अनबॉक्सिंग करके। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो यस कर रहा है अनबॉक्सिंग। यस को अनबॉक्सिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यस का आया स्कूल बैग। उसका स्कूल बैग मतलब बहुत तंग कर रहा था, कभी चैन कभी कुछ कभी कुछ इस तरीके का उसमें हो ही जा रहा था और बहुत ही मतलब भारी हो जाता था। और ये देखो इसका फैब्रिक इतना अच्छा है ना, हाथ में पकड़ के ही पता चल रहा है। बहुत ही सुंदर लगा मुझे, देखते ही पसंद आ गया समझ लो, नहीं तो जल्दी पसंद नहीं आता है ऑनलाइन चीज़ मंगाई हुई, पर ये बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल हल्का और बिल्कुल सॉफ्ट, जिस तरीके का मुझे यश को चाहिए था उसी तरीके का है, और समझ लो कि यश ने ही पसंद करके मंगवाया। अंदर भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये वाला बैग मुझे सच्ची में बहुत पसंद आया, अगर ये टिकता है तो फिर गुलशन के लिए भी मंगवाऊंगी। आज हो गया हम लोगों को बहुत लेट, खाना ना खा के अभी फ्री हुए हैं। देखो सारे लोग इकट्ठे बैठे, तो मार्केट भी लगता है ना, तो मार्केट गए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इसलिए 12 बजे वीडियो एंड कर रहे हैं। तो हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।